ललितपुर में जीएसटी अधिवक्ताओं ने आयकर विभाग के बाहर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं। टैक्स बार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष एडवोकेट अभय कुमार जैन ने बताया कि इस हस्तक्षेप के कारण अपीलों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ललितपुर के ग्राम असवपुरा के निवासी चंद्रभान और महाराज सिंह बुंदेला, जो 2 साल की जेल के बाद जमानत पर रिहा हुए थे, घर लौटते समय उनका ढोल नगाड़े और हर्ष फायरिंग के साथ स्वागत किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए दोनों को गिरफ्तार कर दोबारा से जेल भेज दिया। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंड में मेहर गांव मोटरमार्ग पर जेसीबी मशीन पर पहाड़ी से भारी मलबा और पत्थर गिरने से जेसीबी चालक विकास कुमार की मौत हो गई। विकास कुमार यूपी के बिजनौर जिले का निवासी था और उसकी उम्र 22 वर्ष थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर विधिक कार्रवाई की। हरदोई के भोलापुरवा गांव में किसान कोसी के घर के अंदर मौत के घाट उतार दिया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। बड़े भाई की तहरीर पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। यह घटना टडियावा थाना क्षेत्र की है। चांदपुर के गांव बगड़पुर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने मृतक किसान ब्रजपाल उर्फ डब्बू सैनी के परिजनों से मुलाकात की। हाल ही में गुलदार के हमले में ब्रजपाल की मौत हो गई थी, जिससे गुस्साए किसानों ने हंगामा किया था। टिकैत के साथ प्रदेश सचिव कुलदीप सिंह, जिलाध्यक्ष सतवीर सिंह और अन्य नेता मौजूद रहे। बिजनौर के नूरपुर में कोचिंग करने आए छात्र विवेक कुमार की बाइक अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। विवेक, जो थाना हल्दौर के गांव पजानिया का निवासी है, ने अपनी बाइक को कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ा किया था। कोचिंग के बाद जब वो बाहर आया तो उसकी बाइक गायब थी। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जाँच शुरू कर दी है। बुलंदशहर में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। सदर तहसील के लेखपाल राम प्रकाश को किसान से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम की मेरठ यूनिट ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राजस्थान के सीकर में भाजपा के सदस्यता अभियान 2024 का जिला स्तरीय शुभारंभ भाजपा जिला कार्यालय में हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि अभियान संगठन का पर्व है और हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद से लेकर अब हम 21 तारीख तक हमारे जो भी प्राथमिक सदस्य होंगे, ये अभियान हमारा 21 सितंबर तक एक लगातार कंटिन्यू चलेगा, जिसमें हम सब लोग प्राथमिक सदस्य इस पार्टी के बनेंगे। तो हमारा जिस प्रकार से इस राजस्थान को जो लक्ष्य दिया गया है 1.25 करोड़, और 1.25 करोड़ में भी यदि हम सीकर जिले की बात करें तो 4,11,000 हम सबको सदस्य इस जिले में बनाना है। और यदि हम विधानसभा की बात करें तो प्रत्येक विधानसभा का जो लक्ष्य हमने कम से कम 51,000 का लक्ष्य निर्धारित किया है। भदोही में शारदीय नवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आगामी 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्रि के लिए मूर्तिकार मां दुर्गा, महिषासुर और भगवान गणेश की मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। बंगाल के मूर्तिकार भदोही में पिछले महीने से काम कर रहे हैं, जहां एक बड़ी मूर्ति को तैयार करने में 15 दिन का समय लग जाता है। मूर्तियां बांस, पुआल, रस्सी और मिट्टी से बनाई जाती हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर भी मूर्तियों की काफी बिक्री होगी। भदोई के फुलवारिया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से कांथापाल की आधा दर्जन से ज्यादा भेड़ों की मौत हो गई। घटना शाम को बारिश के दौरान हुई। इसके अलावा गोपीगंज इलाके में सगर रायपुर में बिजली गिरने से 30 साल के रंग बहादुर की भी मौत हो गई। महुआ के मदन सागर इलाके में 2 सशस्त्र अज्ञात दबंगों ने पार्क में बैठे 22 साल के आसिफ को गोली मार दी। गोली उसके दाएं हाथ पर लगी, जिससे वो अलबाल बच गया। आसिफ को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लखनऊ में 7 साल की नशरा बारिश के चलते गहरे नाले में बह गई। खेलते समय नाले में गिरने के बाद बच्ची का कोई पता नहीं चल पाया। नगर निगम की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है और मां मोहल्ले वालों ने बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मिल पाई। आज लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र में एक बच्ची लगभग 6 वर्षीय, जिसका नाम नसरा है, वो पैर फिसलने से एक नाले में गिर गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच करके उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ नगर निगम की टीमें और फायर ब्रिगेड की फोर्स भी बुला ली गई है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है बच्ची को बरामद करने का। हनुमानगढ़ के संगरिया में 40 दिन से लापता 2 नाबालिग बहनों को राजस्थान पुलिस ने हरियाणा से बरामद कर लिया है। दोनों बहनों का गैंगरेप हुआ था और जिनका राजकीय अस्पताल में इलाज जारी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सांसद हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। संगरिया पुलिस ने बताया कि लापता बहनों को हरियाणा के आदमपुर से ढूंढा गया है।
देखिए, संगरिया थाना क्षेत्र के नुकेरा गांव की ये घटना है जिसमें दो नाबालिग लड़कियां 12 और 14 वर्ष की, जो जिन्हें कुछ समय पूर्व कुलदीप नाम का एक बंदा था जो इन लड़कियों को लेकर हनुमानगढ़ संगरिया से बठिंडा की तरफ लेके गया। उसके बाद इनका संपर्क संदीप नाम के शख्स से हुआ जो रायसिंह नगर का मूलतः रहने वाला है, और ये इनको लड़कियों को, जो नाबालिग लड़कियां हैं दोनों को, लेकर आदमपुर हिसार लेके गए, जहां पर इन्होंने एक रूम किराए पे लिया और लगातार लगभग 30 दिनों तक अलग अलग लड़कों के द्वारा, जैसा लड़कियों ने अपना, जो नाबालिग लड़कियां हैं उन्होंने अपने बयानों में बताया, उनके द्वारा शोषण किया गया। जैसे ही पुलिस को, जो हिसार पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में जो इसकी नॉलेज मिली, तुरंत पुलिस ने इनको रिकवर किया। नोएडा में कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के ऑपरेशन लंगड़ा के तहत इकोटेक थाना पुलिस ने घर में लूटपाट करने वाले गैंग के दो बदमाशों के साथ मुठभेड़ की। कार्रवाई में लूटे गए 2 तोला जेवरात और 39,700 रुपए बरामद हुए हैं। घटना में इस्तेमाल की गई कार, बाइक और तमंचा भी पुलिस ने जब्त किया। बलरामपुर में एक दिवसीय दौरे पर आए आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को माफियाओं पर की जा रही कार्रवाई से तकलीफ हो रही है, वो माफियाओं के साथ हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव अगले विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, लेकिन जनता उनके सपनों को बुलडोजर से रौंदने का काम करेगी। भीलवाड़ा में पोक्सो कोर्ट ने 2 साल पुराने अपहरण और रेप के मामले में महावीर भील को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 40,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। 14 जून 2022 को विवाहिता द्वारा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि महावीर ने उसकी बेटी का अपहरण कर जंगल में रेप किया। जाँच और सुनवाई के बाद आरोपी को सजा दी गई है।